हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट नोटिफिकेशन इंडियन नेवी की तरफ से, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम जून 2019 बैच। तो यहां पे जो स्टूडेंट्स इसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ बीई बीटेक डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में, जैसे कि आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएससी और भी बहुत सारी ब्रांचेस इसके अंडर रहेंगी, जिसके अंडर आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और एक बात और यहां पे ध्यान दें कि जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में है, यानी कि एट्थ सेमेस्टर में अपनी बीई बीटेक कर रहे हैं, वो भी इसके अंडर यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के अंडर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होने की डेट है वो आपकी 7 जून 2019 से लेकर 27 जून 2019 तक लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि इसका आपका डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच यूएस के अंडर रहेंगी, इसके लिए आपकी क्या क्या एज का और एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा दोनों ब्रांचेस के लिए। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कौन से आपके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, एसएसबी इंटरव्यू से पहले कौन सा आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, किस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू में, और जब आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका क्या मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो आपके यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम जून 2020 के कोर्स के लिए होने चाहिए। ये सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आज 7 जून 2019 अभी से इसके फॉर्म जो है, इसका लिंक जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का, वो इंडियन नेवी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म को कंप्लीट फोन से ही फिलअप करना है, फोटो सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और फोन से ही शुरू से लेके लास्ट तक कैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है, वो मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहां पे इस वीडियो में कंप्लीट आपको एजुकेशन का और एज का और सिलेक्शन प्रोसेस का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड कैंडिडेट्स हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो नीचे यहां पे दिया गया है, जो कि मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस में कौन यहां पे अप्लाई कर सकता है। तो जो स्टूडेंट्स बीई बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी बीई बीटेक में सारे सेमेस्टर को मिला के 60% जो बनती है, वो इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स की अभी वो बीई बीटेक कर रहे हैं और वो अपने फाइनल ईयर में अभी स्टडी कर रहे हैं, यानी कि एट्थ सेमेस्टर में वो अभी पढ़ रहे हैं, ब्रांचे में आपको यहां पर नीचे बता रहा हूं, तो उनकी भी परसेंटेज जो है वो एट्थ सेमेस्टर तक 60% होनी ही चाहिए, वो भी इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी बीटेक अपनी कर रहे हैं और फाइनल ईयर में है, वो भी इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके सारे सेमेस्टर को मिला के 60% जो है वो होनी ही चाहिए। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंडर आपकी पहली ब्रांच यहां पे आ जाती है आईटी की। तो आईटी में आपको बीई बीटेक इन तीन ब्रांचेस के अंडर होनी चाहिए और इसके अंडर सिर्फ और सिर्फ मैन ही इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे दोनों ब्रांचेस के अंडर मैन ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वुमेन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियरली इन्होंने जेंडर में मैन लिखा हुआ, यहां से आप सिंपल देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बीई बीटेक जो आईटी के लिए रहेगी, इसमें आपकी बीई बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, या फिर आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए आईटी ब्रांच के अंडर। तो फ्रेंड्स, ये आपका एग्जीक्यूटिव का एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप टेक्निकल ब्रांच का देख सकते हैं, इसमें आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए आपकी बीटेक मैकेनिकल में होनी चाहिए, मैरीन में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो यहां पे आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं अगर आपने इन ब्रांचेस के अंडर अपनी बीई बीटेक कर रही है, या फिर अभी आप कर रहे हो फाइनल ईयर में, तो आप इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो इस ब्रांच के अंडर। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं टेक्निकल ब्रांच के बाद आज आपका यहां पे आ जाता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपकी बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या फिर टेली कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यहां पे सारी ब्रांचेस आप यहां पे पढ़ सकते हैं। अगर आप इन ब्रांचेस पे अभी इंजीनियरिंग अपनी कर रहे हैं, एट्थ सेमेस्टर में आप अभी हैं, या आप कंप्लीट कर चुके हैं 60% के साथ,
तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आपका एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम जून 2020 के लिए। उसके बाद मैं आपको यहां पे बता देता हूं क्या आपका एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पे 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 1999 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 2 जुलाई 1996 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 1999 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 60% इन ओवरऑल एग्रीगेटेड ऑन कंप्लीटेशन ऑफ बीई बीटेक रेगुलर या इंटीग्रेटेड कोर्स। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि अगर आप 60% आपकी नहीं होती है तो आप इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियरली यहां पे मैंने आपको विद प्रूफ भी दिखा दिया। उसके बाद मैं आपको यहां पे बता देता हूं इसके क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपके रहेंगे दोनों ब्रांचेस के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं ब्रांच के लिए एग्जीक्यूटिव और इंजीनियरिंग के लिए मेल के लिए यहां पे आपकी जो मिनिमम हाइट है वो आपकी 157 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए इन दोनों ब्रांचेस के लिए। आई साइट आप यहां पे देख सकते हैं जिन स्टूडेंट्स को आईज की प्रॉब्लम रहती है आई साइट यहां पे आपकी 6x24 दोनों आईज के लिए होनी चाहिए और करेक्टेबल विद ग्लासेस में यहां पे 6x6 बोथ आईज के लिए यहां पे बताई गई है इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। उसके बाद आप यहां पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच आईटी के लिए देख सकते हैं यहां पे भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा, मिनिमम हाइट आपकी यहां पे 157 सेंटीमीटर ही चाहिए ज्यादा से ज्यादा जितनी भी आपकी है। उसके बाद आई साइट आप यहां पे देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए 6x60 ही यहां पे रहेगी, उसके बाद करेक्टेबल विद ग्लासेस 6x6 बोथ आईज के लिए आपका यहां पे मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा दोनों ब्रांचेस के लिए, मैंने आपको यहां पे बता दिया। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हिल एरिया से बिलोंग करते हैं यहां पे आप देख सकते हैं यानी कि कैटेगरी गोरखाज असामीस गढ़वालीस और उत्तराखंड एंड नेपाल, उनको यहां पे जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए यहां पे एज का रिलैक्सेशन रहेगा जो स्टूडेंट्स हिल एरिया से बिलोंग करते हैं। लेकिन उस हिल एरिया का यानी कि जो स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनका डोमिसाइल जम्मू कश्मीर का होना चाहिए या फिर वो उत्तराखंड से करते हैं उनका डोमिसाइल या फिर स्टेट सब्जेक्ट उत्तराखंड का होना चाहिए ये रिलैक्सेशन पाने के लिए मिनिमम हाइट में। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कौन से रीजन से आप बिलोंग करते हैं, लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं फिर गोरखा से, तो उसी हिसाब से आप यहां पर देख सकते हैं मिनिमम हाइट आपको कितनी चाहिए यूएस के अंडर। उसके बाद आपका एज का और एजुकेशन का और मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको अच्छे तरीके से यहां पे क्लियर करवा दिए हैं। उसके बाद मैं आपको यहां पे अब बता देता हूं क्या इसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा विल हैव टू अंडरगो नॉवल कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आपका सबसे पहले कैंपस इंटरव्यू होगा जब आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो एलिजिबल हो जाएगा, फॉर्म वहां पे एक्सेप्टेड हो चुका है। उसके बाद आपका नॉवल कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले इंटरव्यू रहेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द कैंपस इंटरव्यू, जो स्टूडेंट्स कैंपस इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं उनको यहां पे SSB इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, उन्हीं स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स यहां पे कैंपस इंटरव्यू में रह जाते हैं वो यूएस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो जो स्टूडेंट्स यहां पे कैंपस इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं और उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस फॉर द एंट्री, यानी कि जो भी इनका क्राइटेरिया रहेगा उसी हिसाब से आपका एसएसबी इंटरव्यू में मार्क्स होने चाहिए और फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो यहां पे देख सकते हैं जिन स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंपस इंटरव्यू में उनको यहां पे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा बेंगलोर भोपाल यहां पे विशाखापट्टनम कलकत्ता। यहां पे डेट्स आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 से लेके अप्रैल 2020 के बीच आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा और दिसंबर से पहले पहले आपका कैंपस इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट हो जाएगा, यानी से अगस्त या सितंबर के बीच बीच में आपका कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट होगा। कैंपस इंटरव्यू के लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मेल आईडीज के थ्रू जो आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करते टाइम देंगे। तो फ्रेंड्स यहां पे आप एसएसबी में देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स कैंपस इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका यहां पे एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट होगा जो कि आपका 5 दिन का रहेगा और 5 दिन के अंदर आपकी 2 स्टेजें रहेंगी। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 आप यहां पे देख सकते हैं। स्टेज 1 में यहां पे आपका डे 1 में क्या होगा और उसके बाद जो आपकी स्टेज 2 है 4 दिन, यानी कि जो पहली स्टेज है वो आपकी 1 दिन की रहेगी और जो आपकी
सेकेंड स्टेज है वो आपकी 4 दिन की रहेगी, टोटल आपके यहाँ पे 5 दिन रहेंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो स्टेज वन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ऑफिसर इंटेलिजेंसी रेटिंग, सबसे पहले आपकी स्टेज वन में ऑफिसर इंटेलिजेंसी रेटिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पिक्चर प्रिसेप्शन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डिस्कशन टेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे पिक्चर प्रिसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बाद जब आप ये तीनों टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, विल बी कंडक्टेड ऑन द जो आपका एसएसबी इंटरव्यू के पहले दिन कंडक्ट होगा, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं स्टेज वन को, तो ही आपको स्टेज टू के लिए भेजा जाएगा। अगर आप स्टेज वन में क्वालिफाई हो जाते हैं तो ही आपको स्टेज टू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपको स्टेज वन वाले दिन ही आपको घर वापस भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई इन द स्टेज वन विल बी रूटेड बैक होम ऑन द सेम दिन, उसी दिन आपको वापस भेज दिया जाएगा। अगर जो स्टूडेंट्स स्टेज टू पास कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो आपका स्टेज टू में 4 दिन रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होगी, उसके बाद आपका ग्रुप टास्क होगा, उसके बाद आपके ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद आपका लास्ट में पर्सनल इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगा। तो फ्रेंड जब आप स्टेज टू को भी क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, जो कि आपका यहाँ पे मैक्सिमम ड्यूरेशन इन्होंने बता दी है, 5 दिन का आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। जो स्टूडेंट्स एसएसबी इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं, एट नियरेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल में आपका ये जो मेडिकल एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा भी हुआ कि कैंडिडेट को रिकमेंड किया जाता है बाय द एसएसबी एंड डिक्लेयरिंग मेडिकल फिट, उनको मेडिकल फिट यहाँ पे होना चाहिए, एंड विल बी अपॉइंटेड फॉर ट्रेनिंग बेस्ड ऑन ऑल इंडिया मेरिट, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी कि ट्रेनिंग के बाद जब उनको ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट किया जाएगा, जब वो एसएसबी इंटरव्यू को कर लेंगे, वो इस तरीके से आपको सिलेक्ट किया जाएगा जिस हिसाब से ऑल इंडिया मेरिट आपका बनेगा और जिस हिसाब की इनकी वैकेंसी रहेंगी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम जू 2020 के अंडर। तो फ्रेंड्स ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम जू 2020 बैच के अंडर। उसके बाद जब आप यहां पे देख सकते हैं, जब आप अपनी ट्रेनिंग जो है वो खत्म कर देंगे, यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद आप अपना यहां पे रैंक देख सकते हैं। सबसे पहला आपका रैंक यहां पे सब लेफ्टिनेंट का रहेगा, पे स्केल भी आप यहां पे देख सकते हैं, और अलाउंसेस भी जो आपके यहां पे रहेंगे वो भी आप यहां पे पढ़ सकते हैं कि लीव आपकी कितनी रहेगी, ग्रुप इंश्योरेंस कितना रहेगा, एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स के लिए आपका क्या रहेगा। तो ये सारे आपके पे प्लस जो आपका रैंक रहेगा जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, और उसके बाद आपके क्या अलाउंसेस रहेंगे, अलाउंसेस आप यहां पे कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट जो यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के अंडर जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ब्रांचेस के अंडर मैंने आपको बता दिया कि बीई बीटेक आपकी कौन कौन सी ट्रेड के अंडर होनी चाहिए, किस ब्रांच के अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद क्या आपका एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आपका कैंपस इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट होगा, और एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, और जो स्टूडेंट्स मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट हो जाते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग जब आपकी क्वालिफाई हो जाती है, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है वो यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के अंडर जिस भी ब्रांच के लिए आपने की होगी उसके अंडर फाइनली हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म को कंप्लीट फोन से ही फिलअप करेंगे, फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करेंगे, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात का आप यहाँ पे ध्यान दें कि जो लास्ट डेट रहेगी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम जून 2019 के अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो आपकी 27 जून 2019 रहेगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी बीई बीटेक इन ब्रांचेस में की हुई है, जो कि मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया मौका यहाँ पे उनको मिल रहा है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए एज एन ऑफिसर। तो इस मौके को आप मिस ना करें, अच्छे तरीके से देख ले जो मैंने आपको कंप्लीट यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस, एज का और एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, सिलेक्शन प्रोसेस या आपकी कितनी एज है, तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको विद इन सेकेंड्स में वहां पर रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी नई अपडेटेड वीडियो से अपडेट रहें। फ्रेंड्स थैंक यू। फ्रेंड्स बेइज्जती की चुन्नी।